Today is Christmas. और आज का दिन क्रिसमस है. Welcome to this short meditation, a thought about Christmas. और आज के दिन में आप सबका स्वागत करता हूँ इस छोटे से समय के लिए जब हम क्रिसमस के ऊपर एक विचार को रखेंगे. But before I say anything else, let me make one thing very clear. और इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ या बोलूँ, एक बात को बड़ी स्पष्ट रीति से कहना चाहता हूँ. Santa Claus and Christmas trees and cake and decorations and all these things have nothing to do with celebration of Christmas. और इसलिए याद रखिए, केक, सेंटा क्लॉस या हर प्रकार की ये सजावट या ये पेड़, इनका कोई लेना देना क्रिसमस से नहीं है. And people are connecting these things to Christmas, which is not a wise thing to do. और लोग तो इन सारी बातों को क्रिसमस से जोड़ते हैं जो कि एक ज्ञान की बात या बुद्धिमानी की बात नहीं. Because one thing is certain that nobody knows the exact month and date of his birth. क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि कोई भी वो तारीख और दिन नहीं जानता जब यीशु का जन्म हुआ. For some reason God has not permitted anybody to record this. क्योंकि एक कारण, किसी एक कारणवश परमेश्वर ने किसी को भी अनुमति नहीं दिया कि इस बात को वो लिख सके. And I believe the reason could be that he didn't want this, the way we are celebrating it today is far away from the reality of the truth of Christmas. अब मुझे ऐसा लगता है वो कारण ये था क्योंकि जिस रीति से हम क्रिसमस को इन दिनों में मनाते हैं वो वास्तविकता से कई ज्यादा दूर है. So I start this meditation by asking a question. और इसलिए इस मनन की शुरुआत मैं करता हूँ एक सवाल पूछने के द्वारा. What is man's greatest need? कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? If our greatest need had been information, और अगर हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता जानकारी या सूचना होती, God would have sent an educator. तब परमेश्वर किसी पढ़ाने या शिक्षक को भेजता. He could have given us lot of information about. तब वो व्यक्ति हमें बहुत सारी जानकारी दे सकता था. And if our greatest need had been technology, और अगर हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता टेक्नोलॉजी या तकनीक होती, God could have sent us a scientist. तब परमेश्वर एक वैज्ञानिक को भेज सकता था. Or an expert in the computer technology. या एक ऐसा व्यक्ति जो निपुण हो कंप्यूटर या इस कंप्यूटर के विज्ञान में. But he didn't. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. If our greatest need had been money, और अगर हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता पैसा हो सकता, God would have sent us a economist. तब परमेश्वर हमें सबसे बड़ा अर्थशास्त्री भेज सकता था. But these are not man's greatest need. लेकिन ये मनुष्य की बड़ी आवश्यकताएं नहीं हैं. And since our greatest need was nothing else but forgiveness, और क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता और कुछ नहीं लेकिन सिर्फ माफी थी, and reconciliation with God, और परमेश्वर के संग मेल मिलाप. What did God send? तब परमेश्वर ने क्या भेजा? He sent us a savior. और उसने हमें एक उद्धारकर्ता भेजा. That's why Christmas message and Christ of Christmas is very very unique, unlike any other story. और इसीलिए क्रिसमस का संदेश और क्रिसमस का उद्देश्य किसी दूसरी कहानी से कहीं ज्यादा अलग है. God loved his own people. परमेश्वर ने अपने लोगों से प्रेम किया. Because they are God's creation. क्योंकि वो परमेश्वर की सृष्टि है. He created man. उसने परमेश्वर की रचना, उसने मनुष्य की रचना करी. To live and reign and rule with God. कि मनुष्य परमेश्वर के संग रहकर राज्य करे. And he wanted man to live forever and ever. और वो चाहता था कि मनुष्य अनंत और युगानुयुग तक उसके संग रहे. But sin has entered and alienated mankind from this creator loving God. लेकिन पाप ने मनुष्य को या मानव को इस प्रेम करने वाले परमेश्वर से जुदा कर दिया. Therefore, और इसलिए, the greatest need of a man is forgiveness, and that forgiveness has to come from God. मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता या जरूरत क्षमा या माफी है जो परमेश्वर से आनी है. So God himself sent us a savior. और इसलिए परमेश्वर ने खुद एक उद्धारकर्ता को हमारे लिए भेजा.
And he loved his own. और मैं उसने अपने अपने अपनों से प्रेम किया. And provided a way. और एक मार्ग को खोल दिया. The only way. एकमात्र तरीका. For us to spend eternity with him, the Savior of the world, God Almighty. ताकि हम अनंत को इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संग मनाने पाए, रहने पाए, जो सर्वशक्तिमान है. God gave us His only Son. परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया. And Himself, who gave His life as a sacrifice. जिसने अपने जीवन को एक बलिदान के रूप में दे दिया. For what? किस लिए? To save a God-hating and God-denying and a God-rejecting humanity. ताकि वो एक ऐसे मानवता को बचा सके जो परमेश्वर से घृणा करती थी, परमेश्वर का विरोध और तिरस्कार करती थी. And so the punishment for sin should have been coming and falling upon us. और इसलिए who has yielded to the devil's temptation. और इसलिए उस पाप का न्याय या उसका दोष हम पर गिरना चाहिए था जो इस परीक्षा पे पढ़कर गलत कामों को किया. But he took the punishment. लेकिन उस यीशु ने उस सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया. For sin he has not committed. उन ऐसे पाप, उन पापों के लिए जो उसने नहीं किए. We owe a debt. और इसलिए हम परमेश्वर के कर्जदार हैं. And Jesus paid that debt which he did not owe. और पर यीशु ने उस कर्ज को चुकाया जो उसने कभी लिया ही नहीं. He didn't have to go to the cross. और उसे क्रूस पे जाने की कोई जरूरत नहीं थी. But why did he do it? लेकिन क्यों उसने ऐसा किया? Because of love. सिर्फ प्रेम के खातिर. Man could never find a way out of his sinful life. और क्योंकि मनुष्य तो अपने पापमय जीवन में कभी भी एक मार्ग या तरीके को नहीं ढूंढ सकता था. There is no way. कोई भी तरीका नहीं. And he paid the price in full. और उसने उस दाम को पूर्ण रीति से चुकाया. And thus we are free from condemnation. और इसलिए अब हम दोष से अलग हैं. When we accept that free gift of love. जब हम उस प्रेम के तोहफे को जो हमें मुफ्त में दिया गया है लेते हैं. We are free. हम आजाद हो जाते हैं. The Holy Bible describes God's love in these words. और जो पवित्र पवित्र वचन है परमेश्वर का बाइबल में, वो इस रीति से परमेश्वर की प्रेम की परिभाषा देता है. It is found in Romans chapter 5 verse 8. और इस बात को हम रोमियो की पत्री उसके पांचवे अध्याय आठवें वचन में देखते हैं. But God demonstrated His love for us in this. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई की इस रीति से प्रकट करता है. While we were still sinners, Christ died for us. कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया. Can you describe this love? क्या आप इस प्रेम का वर्णन कर सकते हैं? Can you resist this love? क्या आप इस प्रेम के विरुद्ध जा सकते हैं? And yet so many people are resisting this love. They don't want to have anything to do with Christ. लेकिन फिर भी कई सारे लोग इस प्रेम के विरुद्ध जाते हैं और कहते हैं हमारा मसीह से कोई लेना देना नहीं. Why did he come? वो क्यों आया? He came as a ladder through which we may reach God. और वो एक ऐसी सीढ़ी के रूप में आया जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते थे. Something that will bridge the big gap between us and God. एक ऐसा सीढ़ी के रूप में जो परमेश्वर और हमारे बीच जो बड़ा एक गैप या एक बड़ा अंतराल आ गया था, दूरी आ गई थी, उसको मिटाने के लिए. And so everything that Jesus went through और हर on the day of crucifixion. और हर एक वो बात जिससे यीशु होकर के निकला उस क्रूस पर. All that beating. वो सारी मार और तारना. All the flogging. और वो सारा मजाक उड़ाया जाना, कोड़े मारे जाना.
And all those insults. और वो सारी बेइज्जती. And pushing and beating again and again. और वो धक्का खाना और मारा जाना और उसका थट्टा उड़ाना. The crown of cross on his head. और वो कांटों का ताज जो उसके सर पर चुबा कर पहना and दिया then गया. And falling on the cross. और तब क्रूस पर उसे लटका दिया गया. Spreading his arms and his body. और अपने हाथों को और अपने पैरों को वहाँ टिका कर. To be nailed to the cross. जिसे उसे उन क्रूस पर ठोक दिया गया. Oh, and then piercing. और वो the side of him. जब यीशु की बगल में वो भाला घुसाया गया. And nailing his arms and his legs to the cross. और उसके हाथों और पैरों को उस क्रूस पर कील के द्वारा ठोक दिया गया. And my friends, all those things मेरे मित्रों ये सारी बातें should have come upon us. वो सारी तारना और दर्द हमारे ऊपर आना था. This is the love that God has demonstrated. और ये एक ऐसा प्रेम है जो परमेश्वर ने हमें करके दिखाया. Sin he has not committed. क्योंकि कोई भी पाप उसने नहीं किया. Rebellion he has not done. कोई भी विद्रोह उसने नहीं किया. He never hated God. और उसने कभी परमेश्वर से घृणा नहीं करी. We hated him. तो हम थे जिसने परमेश्वर से घृणा करी. And thus we were alienated and separated from God. और इसके कारण हम परमेश्वर से दूर और अलग कर दिए गए थे. It was our sin that took Jesus to the cross. और ये तो हमारे पाप थे जो यीशु को उस क्रूस पर ले गए. And for our sake. और हमारे खातिर. Can you resist any longer this love of God, my friend? क्या आप इस प्रेम को और इसके विरोध में जा सकते हैं मेरे मित्रों? I ask those of you who are listening. और मैं आप सब से कहता हूँ वो जो सुनते हैं. Among my listeners. मेरे वे सब. Even if there is one single person who has not yet acknowledged Christ. अगर कोई भी एक ऐसा जन है जो मुझे सुनता है और अभी तक यीशु को ग्रहण नहीं किया. And submit himself. To the love of God. और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में समर्पित नहीं किया. Why is it, my friend? कि ऐसा क्यों है मेरे मित्रों? Why should you resist any longer? अब क्यों अब और आपको इसके विरुद्ध जाना है? There will come a day very soon. और एक दिन बहुत जल्द आ रहा है. When the church from this face of the earth shall disappear. कि इस पृथ्वी से ये कलीसिया उठा ली जाएगी. As he will take his church to heaven. जब अपनी कलीसिया को स्वर्ग ले जाएगा. And there will be no more chance. तब कोई और मौका हमारे पास ना होगा. And so this is the day of salvation. और इसलिए ये दिन है उद्धार का. The Savior has come. क्योंकि वो उद्धारकर्ता आ गया है. And he prepared a way to God, back to God, for everyone who choose to believe in Christ. And submit and surrender your life to the Lordship of Jesus. और वो तैयार है कि वे जो अपने जीवन को प्रभु यीशु की प्रभुता में समर्पित कर देते हैं वो जीवन देने को तैयार है. God accepts such people in His Son Jesus Christ. और परमेश्वर पिता अपने पुत्र यीशु मसीह में ऐसे लोगों को ग्रहण करता है. What can wash away our sin? और कौन सी ऐसी बात है जो हमारे पापों को धुल सकती है? Nothing but the blood of Jesus. कोई भी बात नहीं लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू. What can make me whole again? और कौन सी बातें मुझे फिर से पुनः एक बार पूरा बना Nothing सकती? Nothing but the blood of Jesus. कुछ भी नहीं लेकिन प्रभु यीशु का लहू. Oh precious Jesus. ओ कितना बहुमूल्य यीशु है. Precious flow of the cross. और उस क्रूस से बहता हुआ वो धन्य लहू. His blood washes us and makes us clean. और उसका लहू हमें शुद्ध कर देता है, धो देता है. Again we may be reconciled to God. ताकि हम फिर से परमेश्वर के संग मेल मिलाप करके उसके संग रहने पाएं. And my friends. और मेरे मित्रों. This is what you need to do. ये वो बात है जो आपको करनी है. And those of you are listeners, many of you have already done it.
और आप में से वे जो सुन रहे हैं आप में से कई कर चुके हैं बट रिमेन इन जीसस क्राइस्ट लेकिन आप यीशु मसीह में बने रहे नेवर ग्रो कोल्ड टुवर्ड्स कभी भी ठंडा ना पड़ने पाए डोंट सिट देयर सैटिस्फाइड दैट यू थिंक यू आर सेव्ड और उस स्थान पर बैठकर ऐसा ना सोचे कि आप बचा लिए गए हैं और इस आशा में तृप्त ना हो जाएं दैट देन द बाइबल आल्सो सेज लेकिन फिर वचन ये भी कहता है व्हाइल यू हैव रिसीव्ड दैट वंडरफुल सैल्वेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट कि जब तुमने उस अद्भुत मोक्ष या उद्धार को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त किया स्टिल वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड हम अभी भी इस संसार में हैं यू हैव टू शो फोर्थ दैट सैल्वेशन टू द वर्ल्ड आपको उस उद्धार को इस संसार को दिखाना पड़ेगा सो अपोस्टल पॉल सेज और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है व्हाइल सैल्वेशन इज गिवन टू यू फ्री और जबकि ये उद्धार आपको मुफ्त दिया गया without है यू गोइंग टू द क्रॉस आप उस क्रूस पर नहीं भेजे गए बट बाय जीसस टेकिंग योर प्लेस लेकिन यीशु ने आपके स्थान को वहां ले लिया यू आर गिवन दिस गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन फ्री तब आपको ये उद्धार का तोहफा मुफ्त में दिया गया But then the Bible says, लेकिन फिर वचन कहता है After that experience, उस अनुभव के बाद It is your responsibility to show the fruit of salvation. ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने उद्धार के फल को दिखाने पाओ So Apostle Paul says, और इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है Work out your own salvation. कि अपने उद्धार के लिए तुम खुद कार्य करो And what that means, और इसका मतलब है Let the world see the light of Jesus in you कि ये संसार तो आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति देख नहीं पाए and the world see the fruit of your salvation और वो संसार आपके उद्धार या मोक्ष का फल देखने पाए because you are saved क्योंकि तुम बचा लिए गए हो now you are able to love your enemies अब आप अपने शत्रुओं से प्रेम कर सकते हो because you are saved और क्योंकि आप बचा लिए गए you are able to forgive those who have done wrong to you tab aap unko shama karne ke liye bhi yogya hain jinhone aapke sang galat kiya because you are saved aur kyunki aap bacha liye gaye hain you don't do anything that will hurt jesus christ tab aap aisa kuch bhi nahi karte jo yeshu ko dukh pahunchaye because you are saved aur kyunki aap bacha liye gaye now you love holy living ab aap us pavitr jeevan ko बिताएं। No unholy actions or activities. कोई भी अपवित्र बातें नहीं या कार्य नहीं। You say stay away from all such things. और ऐसी सारी बातों से जुदा करें। And be washed in the blood of Jesus. और यीशु के लहू में आप धुले हुए हों। And there is no, it is not by good works that you are saved. और ये उस अच्छे कामों के द्वारा नहीं है जो आप बचाए जाते हैं। You are cleansed and saved only. By the blood of Christ. और आप तो शुद्ध किए जाते हैं और बचाए जाते हैं सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा। And then all our days must be spent in producing the fruit of the Spirit. और आपके सारे दिन आत्मा के फल को पैदा करने में बीतने And we need the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता And so I pray, और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ Oh, blessed Lord and God. हे हमारे धन्य परमेश्वर We need the Holy Spirit. हमें तेरे पवित्र आत्मा का आवश्यकता है Thank you for sending your Holy Spirit और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने अपना पवित्र आत्मा भेजा है And may we live by the guidance and leadership of the holy spirit aur hone de ki hum tere pavitra atma ke margdarshan ke dwara jeene aur chale oh god it is not by might not by power but by the spirit of god that we are enabled हे परमेश्वर ये ना तो बल से है ना तो शक्ति से है लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा है जिसमें हम ज्योति में चलते हैं थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु इन जीसस नेम यीशु के नाम में आमेन आमेन God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is Christmas day. ये क्रिसमस का दिन है. Share the Christmas message, which is Christ the Lord, to some people. और इस क्रिसमस के संदेश को जो कि प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है इस विषय में दूसरों से बांटें. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे.